प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और जनता में सरकार के प्रति विश्वास जगाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन विश्वास यात्रा निकाला गया है। प्रदेश के 6 क्षेत्रों से निकाले गए जन विश्वास यात्रा में गोरखपुर क्षेत्र का जन विश्वास यात्रा का 19 दिसंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बलिया जनपद से रवाना किया है, जो 23 दिसंबर को गोरखपुर पहुंचेगा। उसके बाद यात्रा देवरिया के लिए रवाना हो जाएगी। देवरिया से पुनः जन विश्वास यात्रा चौरी चौरा पहुंचेगी और जनपद में विभिन्न प्रमुख स्थलों का भ्रमण कर 27 दिसंबर को कुशीनगर के लिए रवाना हो जाएगी। जिसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने बताया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से पार्टी द्वारा जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है, जो जनता में सरकार के प्रति विश्वास जगाने का कार्य करेगी, जिससे 2022 में दोबारा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने कहा, देखिए जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में निकाल रही है। हमारे प्रदेश के 6 क्षेत्रों से ये जन विश्वास यात्रा निकल रही है, जो गोरखपुर क्षेत्र में आएगी। बलिया से उसका शुभारंभ किया गया है, जिसका शुभारंभ 19 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। और वो यात्रा गोरखपुर जनपद में 23 तारीख को प्रवेश करेगी। 23 के बाद फिर वो यात्रा देवरिया को चली जाएगी। देवरिया से फिर चौरी चौरा में गोरखपुर जनपद में प्रवेश करेगी और 27 तारीख को गोरखपुर जनपद से जन विश्वास यात्रा कुशीनगर जिले को चली जाएगी। जन विश्वास के माध्यम से हमारी सरकार की जो भी विकास योजनाएं हैं, जो भी विकास योजनाएं सरकार ने प्रदेश में जनता के हित में किया है, उसके प्रति विश्वास जनता का लेने के लिए कि हमारे प्रति जनता का विश्वास है, हमने जनता को विकास किया है, जनता को विकास दिया है, सड़कें दिया है, बिजली हम 24 घंटा दे रहे हैं, हमने जनता को किसान पेंशन निधि के प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत हर किसान भाइयों को हमने पेंशन के तहत पर 6,000 रुपये हर साल दे रहे हैं, हमने आवास दिया, हमने शौचालय दिया, हमने बिजली 24 घंटे दिया, हमने फ्री में बिजली लगवाया, हमने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जनता के लिए ज़रूरतमंदों के लिए दवा की उपयोगिता के लिए 5,00,000 रुपए तक मैंने देने का कार्य किया है। सरकार ने जो विकास की योजनाएं पूरे प्रदेश में चलाई है, हमने जनता का विश्वास जीतना है, जनता मेरे साथ है, हम जनता के प्रति ये यात्रा निकाल करके पुनः 2022 में इस यात्रा के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने के लिए ये यात्रा निकल रही है। और इसी यात्रा के माध्यम से जनता का समर्थन मुझे मिलेगा, जिसकी वजह से 2022 में पुनः भाजपा की सरकार बने, इस उद्देश्य से जनता में ये विश्वास यात्रा निकाली जा रही है।